वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ललित झा पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ललित ने 4 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए हैं। ललित से चारों आरोपी के मोबाइल फोन नहीं बरामद हुए हैं। 4 आरोपी के मोबाइल फोन नहीं बरामद हुए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि आपको बताने चले कि इससे पहले जानकारी मिली थी कि आरोपियों के मोबाइल फोन ललित ने ले लिए थे, लेकिन अब जानकारी ये है कि चारों आरोपियों के मोबाइल फोन को ललित ने नष्ट कर दिया, यानी कि सबूतों को मिटा दिया। और अब ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माना यह जा रहा था मोबाइल फोन से बहुत सारे सुराग ऐसे मिल सकते हैं जिनके आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत बड़ा लीड मिल जाएगा। दीपक बिर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। दीपक, ये बहुत बड़ी खबर है, ललित ने अगर फोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उसके पास से फोन बरामद नहीं हुआ, चारों फोन चारों आरोपियों के थे। जिस दिन 13 दिसंबर को संसद में अंदर घुसना था उससे पहले ही उन्होंने सारे फोन ललित को दे दिए थे। ललित उन फोन को लेकर भागा है और उसके बाद से ही उसके पास जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो उसके फोन उसके पास से नहीं मिले। तो पुलिस को अब यह आशंका है कि कहीं उसने फोन को नष्ट कर दिया या कहीं रास्ते में उसने फेंक दिया, क्योंकि ललित को डर था कि इन फोन की लोकेशन के जरिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, पुलिस उस तक पहुंच सकती है, और इसी वजह से उसने उन फोन को डिस्ट्रॉय किया है। अगर उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब उस फोनों की बरामदगी के लिए पुलिस को उसे लेकर जाना होगा, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद उसे आज कोर्ट में पेश करने के बाद फोनों की बरामदगी करनी है और पुलिस कोशिश ये करेगी जल्द से जल्द फोन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे। लेकिन उसने कहां पर ये फेंके हैं और क्योंकि अभी तक उसके पास से फोन की बरामदगी के कोई संकेत नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उसने डरकर उन सभी फोन को फेंक दिया है या किसी को दे दिया है। अभी तक की जो जानकारी आप दे रहे हैं दर्शकों को, जो आप सोर्सेज भी बता रहे हैं, अगर ये बहुत बड़ी साजिश नहीं थी तो फिर आप देखिए ललित झा जो पहले भाग जाता है, फिर उसे डर लगता है कि दिल्ली पुलिस पकड़ लेगी, वो खुद सरेंडर कर देता है, उसके बाद वो सारे मोबाइल फोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी साजिश का एंगल भी हो सकता है जिस तरीके के संकेत अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शुरुआत से हम लगातार न्यूज 18 इंडिया पर ये बता रहे हैं कि जिस तरह से 13 दिसंबर का मकसद था कि 13 दिसंबर को अपना प्रदर्शन करना है और एक अंदर जो विजिटर गैलरी का पास लेकर अंदर जाना है, तो ये सारी एक अचानक सारा प्लान नहीं है, ये बहुत लंबा प्लानिंग किया गया है। इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका खुलासा करने के लिए स्पेशल सेल की कई टीमें लगाई गई है और सबसे बड़ी चीज है कि UAPA की धाराएं लगाई गई है, यानी कि आतंक से संबंधित धाराएं लगाने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इनका लिंक किसी से है तो नहीं, क्या किसी ने इन्हें फंड तो नहीं किया था कि इस तरह की कार्रवाई को किया जाए। तो ये सारे सवाल है जिनका जवाब वो स्पेशल सेल की। और कितने लोग इसमें शामिल हैं, ये नेक्सस कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, सब डिटेल मिलना अभी बाकी है। दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।